नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह हम देहरादून उत्तराखंड की तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं जो या तो विलुप्त की कगार पर है या फिर उनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। ऐसे में आज हम देहरादून की विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल जो है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि देहरादून की बासमती के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब वो बहुत ज़्यादा उगाई नहीं जाती है, लेकिन जितनी भी उगाई जा रही है हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे ये उगती है और किस तरीके के इलाके हैं जहाँ पर ये उगाई जाती है और इसका क्या इतिहास है। चलिए चलते हैं। तो चलिए देहरादून की बासमती की मिठास ढूंढने चल पड़ते हैं। दोस्तों, जब हम दून की बात करें तो यहाँ की बासमती का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होगा कि जिस देहरादूनी बासमती की देश दुनिया में धाक रही है वह अफगानिस्तान से यहाँ आई थी। जी हाँ, ये ज़रूर है कि देहरादून पहुँचने पर न केवल इसकी गुणवत्ता में निखार आया बल्कि ये अपनी मिठास, महक और स्वाद के कारण दुनिया भर की पसंद बन गई। इस बासमती को दून लाने का श्रेय अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद खान को जाता है। देहरादून की बासमती का देहरादून आने का किस्सा भी बड़ा गजब है। 1839 से 1842 तक चले तमाम उतार चढ़ावों वाले ब्रिटिश अफगान युद्ध में अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान की हार हुई और अंग्रेजों ने उसके पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया। तब दोस्त मोहम्मद खान निर्वासित जीवन जीने के लिए परिवार के साथ मसूरी आ गए। वैसे तो इस परिवार को यहाँ की आबोहवा बहुत रास आई पर यहाँ के चावल से संतुष्टि नहीं मिली। ऐसे में दोस्त मोहम्मद ने अफगानिस्तान से बासमती धान के बीज मंगवाए और उन्हें देहरादून की हसीन वादियों में बो दिए। मजा देखिए कि इस धान को न केवल दून की मिट्टी रास आई बल्कि बासमती की जो पैदावार हुई उसकी गुणवत्ता पहले की बनिस्पत और उम्दा थी। ये चावल जब गांव के किसी एक घर में पकता तो पूरे गाँव को खबर हो जाती। इसकी खुशबू पूरे गाँव की फिजा को महका देती थी। धीरे धीरे देहरादून की बासमती की चर्चा पूरे भारत में होने लगी। व्यापारी देहरादून आते, खड़ी फसल की बोरी लगाते और धान पकने पर उसे खेत से ही उठा ले जाते। एक दौर ऐसा भी आया जब बासमती की खेती से पूरा इलाका महकने लगा। देहरादून के अलावा अब हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में भी बासमती की बेशुमार खेती होने लगी, लेकिन हर जगह इसे देहरादूनी बासमती ही कहा गया। इसे पूरी दुनिया में अपनी खास खुशबू के लिए जाना जाने लगा। लेकिन समय के साथ शहरीकरण की मार देहरादून बासमती पर पड़ी, बाकी रही सही कसर हाइब्रिड करने के चक्कर में पूरी हो गई, जिससे देहरादूनी बासमती को पहचानना भी मुश्किल हो गया। आज जो देहरादूनी बासमती की शुद्धता की पहचान करना केवल प्रयोगशाला में ही संभव है, कभी पूरे देहरादून में उगाई जाने वाली देहरादूनी बासमती अब बेहद सीमित क्षेत्र में उगाई जाती है। जबकि एक दौर में देहरादून के सेवला, माजरा और मोथरा वाले इलाके में जब बयार चलती थी तो बासमती के खेतों से उठती महक हवा में खुल जाती थी। दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ बासमती धान लगा है। वर्तमान में जो बासमती उगाई भी जा रही है उसमें टाइप 3 दून बासमती बेहद कम है। देहरादूनी बासमती का नाम तो अब सिर्फ ब्रांड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत यह है कि दूसरी जगह से आ रहे बारीक चावल को देहरादून बासमती का ठप्पा लगाकर बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, हमने आपको देहरादून की बासमती की कहानी सुनाई कि आखिरकार देहरादून की ये बेशकीमती बासमती का चावल कहां से आया था और कौन इसको लाया था। तो चलिए अब हम उन इलाकों में चलते हैं जहाँ बासमती के चावल अभी भी उगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो देहरादून की इस विलुप्त होती चावल की प्रजाति को बचाने में जुटे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके गांव। दोस्तों, अगर हम देहरादून की तमाम ऐसी चीज़ों को जो विलुप्त होने के कगार पर है उनको खोजने निकले हैं तो बासमती जो एक चावल है और बेहद खुशबूदार चावल देहरादून का कहा जाता है उसको भी हम देखने पहुँचे हैं। इस समय हम
दुधई इलाके में है, और इस इलाके में अगर कहा जाए तो ये देहरादून की बासमती का हब कहा जाता है। और यहाँ से, और इसके अलावा चाहे माजरा इलाका है या फिर दुधई इलाका है, यहाँ पर बासमती काफ़ी मिलती है। तो अब आगे जानते हैं, यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर बासमती उगाते हैं और कितनी इसकी डिमांड है। एक तरफ जहां बासमती के खेतों में कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, वहीं अब ऐसे हरे भरे खेतों को देखना बेहद सुखद अनुभव होता है। जी हां, इस समय हम दुधई इलाके के रेती गांव में हैं, जहां पर प्रगतिशील किसान देहरादूनी बासमती को उगा भी रहे हैं और किस तरीके से अन्य उन्नत किस्मों के साथ जोड़कर अपनी आय को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देहरादून के रेती गांव के उन प्रगतिशील किसानों से आपको मिलाते हैं जो खेती किसानी करने में बहाना नहीं बनाते बल्कि इसको अपनी मजबूती बना रहे हैं। जी हां, ये हैं यशपाल सिंह राणा। यशपाल सिंह राणा रेती गांव में बासमती चावल उगाते हैं और उसके साथ साथ कई उन्नत किस्मों को उगाकर अपनी आर्थिकी को भी मजबूत कर रहे हैं। यशपाल सिंह राणा बताते हैं कि इस रेती गांव में कई विदेशों से भी लोग आते हैं जो इस क्षेत्र में देखना चाहते हैं कि कैसे बासमती चावल उगता है। बासमती जो है हमारी, ये ट्रेडिशनल बासमती जो है, दो टाइप की बासमती लगाते हैं हम लोग। एक तो देहरादूनी बासमती जो अपनी जो पहले से हम लोग लगाते हैं देहरादूनी, एक त्रावड़ी बासमती है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है। हम दोनों बासमती का उत्पादन करते हैं और हम जो है जैविक में काम करते हैं सारा टोटल। और ये जो त्रावड़ी जो हमारी किस्म है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, सारा जो है इसका चावल बाहर ही जाता है विदेश में। यहाँ तो लोगों का अभी इतना रूबरू नहीं है लोग इससे, क्योंकि अभी 5-4 साल से ही जो है ये बासमती यहाँ आई है। हरियाणा का जो प्रजाति है ये त्रावड़ी C30 करके इसका नाम है, और इसकी जो है विदेश में बहुत ज़्यादा मांग है। अपने यहाँ भी लोग अब धीरे धीरे इसको इसकी तरफ जो बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो है अभी इस ईयर में जो है हमने 10 क्विंटल जो है यहीं देहरादून में, अपने देहरादून में ही गई है बासमती जो है, हमारे जैविक बोर्ड में गई है और कुछ गुजरात में गई है। तो इस तरह से जो है हम लोग, बाकी आया है कि कुछ लोग धान ही अपना बेच देते हैं। धान का जो है, धान बायर ले जाता है, वो अपना प्रोसेस करा के चावल बेच देता है। तो यहाँ जो है हम 2002 से, जब से मैं खेती कर रहा हूँ 2002 से जैविक में कर रहा हूँ, और 2002 से ही हमारा जो है चावल के धान जा रहा है हमारा। प्रॉपर चावल का मैंने इस साल किया है, जो देहरादूनी चावल है, देहरादूनी बासमती है और त्रावड़ी बासमती है, दोनों का ही हम इस बार चावल बनाया है। तो उसकी जो है काफ़ी डिमांड है लोगों की जो है, उसमें खुशबू भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि खुशबू नहीं है, खुशबू भी बहुत अच्छी है उसमें, और लोगों की डिमांड ज़्यादा है उसकी। अच्छा, बाहर विदेश में भी इसकी डिमांड है। हम तो, हमारे पास तो बाहर से भी, विदेश से भी आते हैं लोग, फ़ोन आते रहते हैं उनके, जापान से है, जर्मनी से है, तो वहाँ भी जाता है हमारा चावल। जाता तो खैर बायर के माध्यम से ही है, लेकिन यहाँ देहरादून में इसकी काफ़ी डिमांड है। वहीं यशपाल सिंह राणा के अनुसार बासमती चावल के साथ साथ जापानी राइस को भी उन्होंने यहाँ पे उगाया है, जिसकी यील्ड बहुत अच्छी आई है। यशपाल सिंह राणा बताते हैं कि रेती गांव के प्रगतिशील किसान इन दिनों नेपाल की प्रजाति ब्लैक राइस पर भी काम कर रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छी यील्ड उनको आने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में वो इसको भी उगाने की कोशिश करेंगे, जिससे किसानों की आर्थिकी में और बढ़ोतरी होगी। जापानी राइस हमने लगाया था लास्ट ईयर, 5 फार्मरों ने लगाया था जापानी राइस। तो जापानी राइस का रिजल्ट हमारे यहाँ अच्छा आया। जापानी राइस में यह है कि जापान के जो लोग इसको करवा रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमारा मोटिवेशन किया है, हमें काफ़ी गाइडलाइंस दिए हैं और उसमें जो है हमारा काफ़ी सहयोग किया है। और उसका जो यील्ड आई है जापानी धान की, वो बढ़िया हमारे यहाँ बढ़िया आई है, और रेट में भी उन्होंने जो है बासमती के बराबर ही लगभग दिया है उन्होंने रेट। और उसके बावजूद उन्होंने धान भी जो है वही खरीद के ले गए, खुद उन्होंने प्रोसेस किया। तो इस बार लॉकडाउन की वजह से उन्होंने जो है वो नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन उन्होंने बीज हमारे लिए रखा था, लेकिन लॉकडाउन लग गया, कोविड की वजह से जो है वो लोग आ नहीं पाए। लेकिन इस साल जो है अब वो जो है कह रहे हैं कि हम जो है कराएंगे इसको। ब्लैक राइस जो है, ब्लैक राइस का ऐसा है, हमारा जो ये जोन है, हमारा जो ये दुधाई रेती वाला सोरना डोबरी ये जो बेल्ट है हमारी, ये जोन ऐसा है कि इसमें आप कोई सी भी प्रजाति लगाएंगे तो एकदम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगी वो प्रजाति, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो पानी के जो सोर्सेज हैं नेचुरल हैं,
कहीं किसी केमिकल फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि इस टाइप का कोई गंध आ रही है कि बोरवेल से है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो है प्राकृतिक पानी है, नेचुरल पानी, और नेचुरल पानी की बदौलत ही हमारे यहाँ जो जो धान जो हम चावल पैदा करते हैं उसमें खुशबू है। और ब्लैक राइस का ऐसा है कि ब्लैक राइस में अभी हम लोगों से जैसे हम लोगों हमारे यहाँ जो है ट्रायल के रूप में लगाया है ब्लैक राइस, ब्लैक राइस की अच्छी उत्पादन हुई हमारे यहाँ ब्लैक राइस की। तो अब आगे जो हम सोच रहे हैं कि अपनी देहरादूनी बासमती के साथ साथ ब्लैक राइस का और जापानी राइस का दोनों का तीनों का जो है मिक्सर करके लगाएं ताकि काश्तकार को जो है अधिक से अधिक फायदा मिल सके। रेती गांव के किसान न केवल उन्नत फसलें उगा रहे हैं बल्कि ऐसे उपाय भी कर रहे हैं जिससे उनकी फसल और पैदावार और अच्छी हो सके। जी हाँ, रेती गांव के किसान पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद से ही अपनी फसलों को उगाते हैं। चलिए अब हम आपको रेती गांव के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से मिलाते हैं जो न केवल खाद से उन्नत फसल उगाने में मदद कर रहे हैं बल्कि इससे अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। जी हाँ, इन किसान का नाम है शक्ति प्रसाद पैनुली। शक्ति प्रसाद पैनुली पूरी तरीके से अब वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में जुटे रहते हैं। उनके अनुसार उनके पास खेती तो कम है लेकिन जब से उन्होंने ये वर्मी कंपोस्ट या फिर कहा जाए ये नेचुरल खाद बनाना शुरू किया है तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। शक्ति प्रसाद पैनुली के अनुसार क्योंकि ये खाद पूरी तरीके से नेचुरल है तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और क्योंकि इस खाद को डालने से जो भी फसल उगती है उसमें भी किसी तरीके के साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएँ। चलिए जानते हैं शक्ति प्रसाद पैनुली से कि क्या है वर्मी कंपोस्ट। सर, मैं 2003 से जो है खेती पे डिपेंड हूँ। मेरे पे ज़मीन जो है बहुत कम है, 2 से 2.5 बीघे के बीच में है, और इसके साथ जो है मैं वर्मी कंपोस्टिंग का जो है 2004 से शुरू करा हमने। और इस बीच जो है मैंने साइंसपुर ब्लॉक के जो है 65 गाँव में जो है एक NGO के साथ जो है 1740 किसानों को ऑपरेट करा था। वहाँ से हमें ये मिला कि जब कोई PhD होल्डर जो है उसके थ्रू खा सकता है कंपोस्ट के थ्रू, तो उसके बाद जो है मैंने इसको अपनी आजीविका माना। और आज जो है मेरा लगभग जो है 4 से 5 लाख का जो है कंपोस्ट आराम से बिक जाता है जो कि मैं मुझे बोने और अपने खेती के लिए भी जो है मेरे पे पर्याप्त होता है। इसके साथ जो है मैं किसानों को ऑर्गेनिकली मोटिवेट कर रहा हूँ कि उसमें हमारा हिमाचल हो गया, सहारनपुर है और उधम सिंह नगर है, और यहाँ जो है नैनीताल की तरफ भी जो है हम काफ़ी किसानों को जो है समझाते हैं कि वो जो है ऑर्गेनिक की तरफ जाए। उसमें जो है अगर उत्पादन शुरू में कम भी होता है तो लागत जो है हमारी बहुत कम है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत हम कई किसानों से मिला कि उन्होंने बोला कि यार जब हमारे बाप दादा खेती करते थे उस टाइम 2.5 क्विंटल का बीघा निकलता था, लेकिन उस टाइम पैसे में बरगत थी। आज जो है 5 क्विंटल का मिल रहा, लेकिन उसमें जो है उनका जो है अदर जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, जिससे जो है काश्तकार की बचत बिल्कुल जीरो है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में काश्तकार को अगर उत्पादन कम भी मिले उसे तो एक तो खाना वो शुद्ध खा रहा है और जो दे रहा है वो शुद्ध दे रहा है, और लागत उसकी जीरो है, अपना मेहनत है उसकी, अपनी मेहनत है। अपनी कंपोस्टिंग के लिए कोई नहीं है सर, एक नॉर्मल सा वह है कि काश्तकार जो है अपना जो गोबर निकालता है या खरपतवार जो है तो वो जो है एक जगह उसे ढेर कर दे, और नीचे अगर वो चाहे तो अगर काश्तकार सक्षम है तो वो पक्के पिट बनवा सकता है, और ये रेडीमेड सीट भी आ रही जो कि लगभग 4 से 5 हज़ार की मिलती है। इसके साथ जो है बोर्ड के थ्रू भी जो है ब्लॉक के थ्रू भी जो है काश्तकारों को मोटिवेट करने के लिए जो है बेड सीट जो है फ्री में दी जा रही है। तो काश्तकार क्या करे कि अपना जो गोबर निकालता है उसको जो है एक जगह कहीं ढेर कर दे, उसके ऊपर जो है प्रॉपर थोड़ा हल्का छाया होना चाहिए, और उसके बाद जो है केंचुआ उसे खाना शुरू कर देगा। तो एक क्विंटल गोबर से हमें 30 किलो जो है केवल वर्मी कंपोस्ट मिलता है। तो काश्तकार को जो है इससे एक तो उसकी लागत कम होती है, दूसरा इसके प्रयोग से जो है खरपतवार भी जो है खेतों में बहुत कम जाता है क्योंकि वो केंचुआ जो है चाट चाट के जो है उसको डिकम्पोस्ट कर देता है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि वर्मी कंपोस्ट को मैं अहमियत इसलिए देता हूँ कि और हमारे बहुत सारे वो हैं बायो कंपोस्ट
जो बनाते हैं। लेकिन बर्मी कंपोस्ट का ये है कि काश्तकार को अगर हमने उसे बोला कि यार 2 महीने में होगा, अगर वो 4 महीने में हुआ तो चाय पत्ती की तरह उसे खुद दिखेगा। और केंचुआ हमारा जो है लगभग 90 से 100 दिन के अंदर अंदर जो है मर जाता है, उसमें डिकम्पोस्ट हो जाता है और उसके बाद जो है वो 8 से 10 बच्चे हमें छोड़ के जाता है। और 1 किलो केंचुआ अगर कोई काश्तकार पालता है तो लगभग 1 साल में 1 क्विंटल से ऊपर हो जाता है अगर वो प्रॉपर देख रेख करता है। साफ है रेती गांव के प्रगतिशील किसानों ने काफ़ी हद तक ये बता दिया है कि अगर दिल में चाह हो तो अपनी फसलों को बचाया जा सकता है, वो भी ऑर्गेनिक खाद के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि रेती गांव के प्रगतिशील किसान केवल फसल ही उगा रहे हैं, बल्कि आजकल वो नए नए उपादान भी कर रहे हैं, जैसे मशरूम हैं, इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे उत्पादों को उगाने की उनकी कोशिश है जिससे उनकी आर्थिकी में बदलाव हो सके। घुमक्कड़ पहाड़ी का भी ऐसे प्रगतिशील किसानों को सलाम है जो देश की प्रगति में पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी विलुप्त होती प्रजाति है उनको बचाने का भी पूरी भरसक कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज हमने आपको देहरादून की बासमती के बारे में बताया, विश्व प्रसिद्ध बासमती के बारे में बताया कि कैसा उसका इतिहास रहा है, किस तरीके से उगाया जाता था और किस तरीके से अब जब ये विलुप्ति की कगार पर है तो प्रगतिशील किसान जो हैं वो किस तरीके से इस फसल को बचाने में जुटे हुए हैं। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं इसको ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले हफ्ते हम किसी और चीज़ को आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।